मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मनुष्यता पाठ संख्या 4, जो इसकी शीर्षक मनुष्यता है, इस कविता की, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो हमने लगातार दो वीडियो में मनुष्यता कविता के संबंधित, पहला पंक्ति में हमने देखा कि मनुष्य जाति जो है, मनुष्यता जो है, हमेशा बनाए रखना है। मृत्यु तो जब जन्म लेता है तो उसका मृत्यु होना अवश्य है, यानी वह मरण जो है आएगा, ऐसे कहते हैं। इसके लिए डरना नहीं है, आपको अच्छे सत्कर्म करना है। और जहाँ तक पशु है, वह दूसरों के साथ, दूसरों यानी पशु अपने चारे को चर कर वह अपने घर जाता है, लेकिन मनुष्य वैसा नहीं है। वह दूसरों को भी जो है समाज में जीता है, इसीलिए वह परिवार का भी, उसे दूसरे भी व्यक्तियों को ध्यान देना होता है। उसी प्रकार यह उन्होंने पहले पंक्ति में कहा। दूसरे पंक्ति में यही कहा है कि जो मैथिली शरण गुप्त संसार में अखंड है, तो यहाँ पर अखंड है तो आत्मीयता बनाए रखना है। मनुष्य को जन्म लिया है तो दूसरों की मदद करना है। अपनत्व, इससे जो है अपनत्व जो है बढ़ता है। इसमें दूसरों की भी आपको जो है, उनकी लोग आपसे पूजा करेंगे और आपको अच्छी दुआ देंगे। इसीलिए अपनत्व को बढ़ाने के लिए मनुष्यता का जो उदाहरण इन्होंने दिया है, मनुष्यता जो व्याख्या इसकी बहुत बड़ी है, हम कम शब्दों में नहीं कर सकते। मैथिली शरण गुप्त वही कहना चाह रहे हैं कि आपको इस भूमि में जन्म लिया है तो मरण भी जो है तय है। इसके बीच में जो है आपको अच्छे सत्कर्म करना है, आपको अच्छे, जो आपकी मृत्यु जो है अच्छी तरह हो और लोग आपको अच्छे गुणगान करें, तो सदा सदा के लिए आपको गूंजना है। इसीलिए मनुष्य जाति, जो मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे मरना है, तो इसी बीच में आपको यहाँ पर क्या करना है, जो अच्छे लोगों हो या कोई भी लोगों को, आप सदा मदद करते रहना है। इससे आपके और उनकी अपनत्व जो है का अनुभव होगा। मनुष्य वही कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता मरता है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, जो एक दूसरे के लिए जीना और मरने की बात कह रहे हैं मैथिली शरण। लगातार दो हमने पंक्तियों में मनुष्यता के बारे में बता रहे हैं। आज हम मनुष्यता किस प्रकार होती है, वह किस प्रकार मदद करता है, उन सब का आज हम फिर से विस्तृत अध्ययन जो तीसरे पंक्ति में हम देखेंगे। जो तीसरा पंक्ति है, इस प्रकार, क्षुतार्त रंती देव ने दिया करस्त थालमी, तथा ददीची ने दिया पदार्थ अस्ति जाल भी, उसी नर क्षितिज ने स्वामांश दान भी किया, सहर्षवीर कर ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, एक आपने जो पिछले पंक्ति में ये देखा कि मनुष्य मनुष्य के लिए जीता है, यहाँ पर मनुष्य मनुष्य लिए मरने की बात यहाँ जो है कही गई है। पिछले जो हमने वीडियो में मनुष्यता मनुष्य मनुष्य के लिए जीता है, किस तरह वह एक दूसरे से मदद करता है, उसके बारे में देखा। यहाँ पर मनुष्य के लिए कैसे मरता है, देखिए, मनुष्य यदि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके पर विश्वास है, तो उसके लिए आप जान देना भी जाहिज जो है लोग समझते हैं। तो यहाँ पर पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। क्षुधार्त यानी भूख से पीड़ित, जो पहले लाइन में है,
और रंती देवी यानी एक परम दानी राजा। यहाँ रंती देव जो है एक परम जो दानी जो है एक राजा है। करस्त, करस्त यानी हाथ में रखा हुआ। दधीची, दो दूसरे लाइन में देखिए दधीची है, उसका अर्थ है वह ऋषि जिसने देव असुर संग्राम में अपने शरीर की हड्डियों का दान में दे दी थी। जो युद्ध में दानव और असुरों में जब युद्ध चल रहा था तो उसमें इन्होंने अपने हड्डियों का समर्पण कर दिया। दधीची जो महाराज हैं, परार्थ यानी दूसरों के हित में, दूसरों के हित में यानी अच्छे के लिए। अस्थि जाल जो दूसरे लाइन में है, अस्थि जाल यानी हड्डियों का ढांचा है। उसी प्रकार तीसरे लाइन में देखिए उसी नर यानी गांधार का राजा। उसी प्रकार क्षितिज, क्षितिज यानी राजा जो है उसका नाम है। और स्वमांस, स्वमांस यानी अपने शरीर का मांस। देखिए इतने लोग जो हैं मनुष्य के लिए मर रहे हैं, यानी उनके पर जो अपनी जान मांगते हैं तो भी वह दे देते हैं, यहाँ पर अपने शरीर का मांस भी इन्होंने दे दिया है। और आगे है सहर्ष, चौथे लाइन में सहर्ष है यानी खुशी से, ठीक है। उसी प्रकार खुशी से चर्म यानी यहाँ पर चमड़ा है, भी दिया। उसके बाद आता है अनित्य, पांचवे लाइन में देखिए अनित्य यानी मरणशील, जो हमेशा नहीं रहता, नश्वर भी कह सकते हैं। उसी प्रकार आगे है देह, देह यानी शरीर होता है। और उसी लाइन में, पांचवे लाइन में अनादि जीव, इसका अर्थ होता है सनातन काल से चला आ रहा प्राणी या अमर प्राणी, इसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही जो मनुष्य मनुष्य के लिए कैसे मरता है, इसके लिए पौराणिक कथाओं का, महाभारत हो या अन्य कथाओं का, यहाँ पर जो है स उदाहरण यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर कवि कहता है राजा रंती देव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपना भोजन का थाल यानी थाला यानी प्लेट घर पर आए भिक्षु को सौंप दिया। यहाँ पर देखिए मनुष्य मनुष्य के लिए कैसे जीता है, मनुष्यता किस तरह होती है, उसकी व्याख्या बांधते हुए मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भोजन का थाल घर पर आए भिक्षु को सौंप दिया। अपने वह स्वयं भूखे हैं, फिर भी जो राजा रंती देव जो हैं वह दूसरों को, जो भिक्षुक आया है उसे वह थाला जो है भोजन का थाला वह दे रहे हैं। उसी प्रकार दतीची ऋषि ने जन कल्याण हेतु अपनी हड्डियों का दान में दे दी। देखिए यहाँ पर दतीची, देखिए यहाँ पर महर्षि दतीची का एक यहाँ पर जो है पोस्ट में जो चिट्ठी पर चिपकाया जाने वाला जो चिट्ठी है, उसके भी आप जो महर्षि का जो त्यागमय जीवन के लिए उनके याद के लिए, हाँ आज भी हम महर्षि दतीची का जो इंडियन पोस्ट के लिए पोस्ट ऑफिस में आपको ये चिट्ठी के ऊपर चिपकाने का जो चिट्ठी है आप देख सकते हैं। उसी प्रकार दतीची की जो आयुध है, देखिए दतीची जब दोनों के बीच, देव और असुर के बीच जब युद्ध चलता है तो दतीची ने इंद्र को अपनी अस्थि पंजर जो है दे दिया। इंद्र का जो आयुध है उसे दतीची की जो बनी हुई हड्डियों से हैं जो इस प्रकार है, यह दतीची ने उसे दान दी थी कि इस जो अस्थि पंजर से तुम अस्त्र बनाना और असुरों को सभी का संग्राम करना। देखिए इससे समझ में आता है कि दतीची मनुष्यता कैसी है, उसके गुण कैसे हैं। असुरों को जो अधर्म फैला रहे हैं उनको मारने के लिए जो दतीची महाराज इंद्रदेव को अपना जो अस्थि पंजर है उसे देकर, उससे अस्त्र जो है इंद्र ने बनाकर
असुरों का संहार किया। यहाँ पर मनुष्य मनुष्य के लिए यहाँ पर मरने की जो बात है, मैथिली शरण गुप्त दतीची महर्षि दतीची के जो है स उदाहरण से बता रहे हैं। आगे है, उसी नर राजा शिव ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। देखिए, प्राणी हिंसा करना बहुत ही गलत है। तो यहाँ पर उसी नर जो राजा हैं, उन्होंने उसी नर तीसरे लाइन में है, उसी नर जो राजा हैं, यह शिवी ने कबीर जो कबूतर, कबूतर कितना छोटा होता है, उसकी मांस जो मांसाहारी हैं उसका मांस खाने के लिए उतावले हुए थे, तो उसी नर जो राजा ने उनसे जो है विनती करते हैं कि इस कबूतर का मांस मत खाइए, चाहे तो मेरा मांस लीजिए, आपको मांस खाने का इतना ही शौक है। तो उसने उस राजा ने उसी नर राजा ने अपने जो शरीर का मांस उन्हें दान कर दिया, दे दिया। क्यों? क्योंकि जो कबूतर है उसे बचाया जा सके, मासूम पक्षी को बसाया जा सके, इसीलिए उसने मांस जो है उसे दे दिया। उसी प्रकार वीर कर्ण ने किसी ब्राह्मण के मांगने पर अपने शरीर का कवच तक उतार कर दे दिया। देखिए, दानशूर कर्ण आप जानते ही हैं, दानशूर कर्ण महाभारत में जो सूत पुत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनकी पौराणिक कथा के अनुसार कुंती ने जब सूर्यदेव से वर मांगा था तो उसने उस वर के जब उच्चारण करने पर जो है विवाह पूर्व ही कुंती जो गर्भवती बन गई। अब समाज की लज्जा के वजह से उसे जो है नदी में छोड़कर आई। तो इस प्रकार वह जाकर जब सूत के घर में, एक सूत दंपति के घर में वहाँ पर लालन पोषण हुआ, तो इसीलिए कर्ण जो है उसने परशुराम से, महर्षि परशुराम से उसने विद्याभ्यास किया था, और लेकिन उसे सूत पुत्र के नाम से जाना जाता था। कर्ण धनुर्धारी कहा जाते हैं, धनुष में वह अपार पांडित्य जो है, अर्जुन के समान वे धनुष चलाते थे, और वे दानशूर कर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। जब अर्जुन के पिता वर जो दिए थे इंद्र ने, जब साधु महर्षि के वेश में उसकी जो कर्ण की कर्ण कुंडली और कवच मांगा, तो वह बेझिझक, देखिए सूर्य के पुत्र होने के कारण सूर्यदेव से उसे एक वरदान मिला था, जो इंद्र का यानी सूर्य कवच जो है वह कोई भी आयुध जो है उसके शरीर को छू नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास कवच था। लेकिन निसंकोच जब ब्राह्मण वेश में या महर्षि के वेश में जब इंद्र आते हैं, तो वह आगे पीछे न सोचते हुए अपना कर्ण कुंडल और कवच को उन्होंने आगे पीछे न सोचते हुए दान कर दिया। तो यहाँ पर मनुष्य देखिए, उसे पता था कर्ण को कि यदि मैं कवच दे दूँगा तो मेरे शरीर पर अस्त्रों का प्रयोग होगा, तो मैं मृत्यु प्राप्त करूँगा। तो यहाँ पर मैथिली शरण वही बता रहे हैं कि पौराणिक कथाओं या महाभारतों में इन कर्ण या अन्य राजाओं के उदाहरण के अनुसार यह जो मनुष्य मनुष्य के लिए जीना है यह हमें सीख दे रही है। तो वह कवच उतार कर दे दिया और आगे पीछे वह सोचा नहीं। यहाँ पर जो उसका कर्ण कवच है वह निकालते हुए लहू लहवान हो गया, फिर भी वह दानशूर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। तो उसी प्रकार भला इस नश्वर शरीर के लिए यह अमर जीव क्यों डरे? देखिए, इतने सारे उन्होंने उदाहरण बताए राजाओं के और कर्ण के, यह नश्वर शरीर है,
अमर जीव क्यों डरे, तो आप अमर जो यानी मनुष्य के लिए कहते हैं कि आप मत डरिए। अर्थात जब हम आत्मा अमर है तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से क्या भय। देखिए आजकल COVID-19 जो वायरस है तो इससे आप बचकर घर में सुरक्षित हैं, लेकिन यदि आपको देखिए आप कितना भी सुरक्षा बरकिए, यदि आना है तो वह आ जाएगा। मृत्यु यदि आपके पास है तो वह मृत्यु आपकी हो ही जाएगी। इसीलिए आपको इस शरीर जो है ये एक दिन मिटने वाला शरीर जो है उसके लिए आप क्यों भय होते हैं। सच्चा मनुष्य तो वही है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जीता और मरता है। तो आपको यही मैथिली शरण गुप्त तीसरे जो पंक्ति में यही कहना चाहते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जीता और मरता है। मनुष्यता जो है यही जो मनुष्यता कहलाती है, जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जीता और मरता है। इसके लिए उन्होंने सटीक जो उदाहरण आपको दिए हैं, जो पहला है यहाँ पर आप रंती देवी देख सकते हैं, दतीची जो अपने शरीर का जो अस्थि पंजर है उसे दान कर दिया, उसी प्रकार उसी नर जो है कबूतर को बचाने के लिए अपना स्वयं शरीर का मांस दे दिया, उसी प्रकार दानशूर वीर कर्ण ने भी अपना जो कवच है वह दान में दे दिया। इसलिए मनुष्य जो है मनुष्य जाति के लिए जीना मरना है, यह हमें पाठकों को हो या हम सबको यही संदेश इसमें दे रहे हैं। इस प्रकार आज हमने मनुष्यता के संबंधित मैथिली शरण की तीसरी पंक्ति का विस्तृत अध्ययन किया। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि राजाओं ने किस प्रकार अपने प्राणों की चिंता न करते हुए दान दिया है, दानशूर कर्ण है, इन सभी के उदाहरणों से आपको मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए और मनुष्य जाति के लिए जीना और मरने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। इस प्रकार अब तक हमने मनुष्यता कविता से संबंधित पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति का विस्तृत अध्ययन किया। अगले चौथे पंक्ति का हम विवरण अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहे, मास्क का धारण करें और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।